मैं हूं आपके साथ इंशान, नेशनल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। 6 अप्रैल को भाजपा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा नेताओं द्वारा आज जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किए गए। फिरोजाबाद के सरकारी जिला अस्पताल में आज वार्डों में एडमिट मरीजों को भाजपा नेताओं द्वारा फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। भाजपा नेताओं द्वारा यह कार्यक्रम बीजेपी की स्थापना दिवस जो कि 6 अप्रैल को मनाई जाती है, इस उपलक्ष्य में फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया और भाजपा स्थापना दिवस को लेकर 20 अप्रैल तक ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहेंगे। और हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर नेताओं ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संगीता नेजा से शिकायत दर्ज की और कहा, यहां से आगरा मेडिकल कॉलेज के लिए मरीजों को रेफर क्यों किया जाता है, जब फिरोजाबाद में ही मेडिकल कॉलेज है जिसकी आप प्रिंसिपल हैं, उसके बावजूद भी मरीज आगरा रेफर क्यों किए जाते हैं। वहीं स्किन डिपार्टमेंट में जो दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं उसको लेकर भी भाजपा नेता चौंकते हुए नजर आए। राज्य में सरकार है मगर जिले की क्या खबर है भाजपा नेताओं को? फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। देखिए जी, फल वितरण विभाग के संबंध में ये हमारे यहाँ इस समय 6 अप्रैल को हमारी पार्टी का स्थापना दिवस था। 6 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक एक सामाजिक समरसता पखवाड़ा के रूप में हम मना रहे हैं, जिसमें प्रत्येक दिन हम कोई ना कोई कार्यक्रम करेंगे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इसलिए आरोग्य जो आयुष्मान भारत है उसके तहत आज हम लोग अपने हॉस्पिटल में गरीब जो पेशेंट्स हैं उनको फल वितरण का कार्यक्रम रखा है। ऐसे ही लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम 20 तारीख तक लगातार कार्यक्रम करेंगे। यहाँ पर फल वितरण के दौरान कुछ समस्याएं आपको दी थी? कुछ समस्याएं जो बताई थी कुछ लोगों ने मुझे, मैंने प्रिंसिपल मैडम को और CMS साहब को तुरंत बुला करके उनके लिए कहा है कि यहाँ से जो मरीज रेफर करने की जो समस्या रहती है, कुछ दलाल टाइप के लोग मरीजों को रेफर कराने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का फोन लगा करके सारी समस्या व्यवस्थाएँ यहाँ पर है। हमारे यहाँ से कोई मरीज वापस नहीं जाए, किसी दूसरी जगह नहीं जाए, क्योंकि माननीय डिप्टी CM साहब भी अभी आए थे तो उन्होंने भी कहा था सभी दवाएँ और सब कुछ यहीं पर मिलेगा, हमें कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि दवाएं कुछ बाहर से आती हैं जी, बाहर से दवाएं लिखी जाती हैं। देखिए अभी जब माननीय डिपार्टमेंट इसमें सहमत है, जब अभी माननीय डिप्टी CM साहब आए थे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कोई भी दवा हमें बाहर से नहीं लेनी है, सारी दवाएं हमें अंदर मिलेंगी। यदि ऐसी कोई समस्या है तो मैं अभी आपसे बात होने के तुरंत बाद मैं प्रिंसिपल मैडम से बात करता हूँ और ऐसी समस्या का स्किन डिपार्टमेंट इसमें बहुत अव्वल नंबर वन पे चल रहा है, जो भी आया मैं अभी बात करता हूँ। फिरोजाबाद से मक्खनपुर के रतन प्रकाश गुप्ता भावी प्रत्याशी नगर पंचायत की तरफ से सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष व नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवप्रसाद राठौर, पूर्व प्रधान गंगा नेताजी, बांसवली वाले जिजौली ग्राम प्रधान। मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं ग्रामवासी नगर पंचायत को देता हूँ और आने वाली नवरात्रि को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद डॉक्टर अभिषेक सिंह दंत रोग विशेषज्ञ की तरफ से आप सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष व नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उमाकांत गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष मक्खनपुर, सभी मक्खनपुर नगर पंचायत वासियों को मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष नवरात्रि की शुभकामनाएं। जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद डॉक्टर रोहित यादव दंत रोग विशेषज्ञ की तरफ से सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष व नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।